will talk about management of aneurysms, important topic for university exam. You can use my video for your university exam. तो यहाँ पे जो हमारा गोल है ट्रीटमेंट का, टू स्टे ड्राई ऑन अ पार्टिकुलर ओकेजन, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वेट नाइट, टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ aneurysms ऑन द चाइल्ड एंड फैमिली, एंड टू अवॉइड रिकरेंस. हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट थ्री डिफरेंट हेडिंग में पढ़ेंगे. एक तो नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, जिसके अंदर मोटिवेशनल थेरेपी और अलार्म थेरेपी आएगा, जिसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा. और दूसरा है फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, जहाँ पे हम लोग डेस्मोप्रेसिन, एंटीकोलिनर्जिक या फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज़ करते हैं. टॉकिंग अबाउट अलार्म थेरेपी, कंडीशनिंग डिवाइस विच कॉज एन अलार्म टू साउंड एज सून एज द वॉइडेड यूरिन टचेज द बेड सीट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक द चाइल्ड हियरिंग बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट. द अलार्म causes inhibition of further micturation and child awakens. If properly used, it is an effective method of therapy. Talking about motivational therapy, remove guilt feeling in the child, support and reassure the child, do not punish or blame the child, reduce child evening fluid intake especially before sleep, child should pass urine before bedtime, set a goal for a child of getting up at night to use the toilet, reward child for dry night, advise daytime rehearsal aimed at increasing the holding time of bladder. When the child feel the urge to urinate, he or she should go to the bed and pretend he or she is sleeping. He or she should then wait for a few minutes and get out of bed to use the toilet. तो अगर गौर से देखें तो बस पूरा मैनेजमेंट में ना बस बकवास ही भरा हुआ है. फार्माकोथेरेपी में हम लोग क्या यूज़ करते हैं वो हमें आना चाहिए अच्छे से. बाकी आप अपने से इसको बना के लिख सकते हैं. तो बेसिकली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आएगा तो आपको इस तरह से स्टार्ट करना है. मैनेजमेंट नॉन फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल में मोटिवेशनल थेरेपी, अलार्म थेरेपी, मोटिवेशनल थेरेपी मैंने जो 6-7 लाइन बताया उसे लिख देना है. और फिर अलार्म थेरेपी के बारे में 2-3 लाइन बताया उसे लिख देना. और फिर फार्माकोलॉजिकल में आपको वेरियस ड्रग्स के बारे में बताना है. और इसको स्टार्ट करने से पहले जो हमारा गोल है ट्रीटमेंट का उसके बारे में बताना. पीडीएफ में ये शॉर्ट नोट्स आता है इसलिए मैंने ये वीडियो डिस्कस किया. और ऐसे कोई खास इसमें बात है नहीं. थैंक यू.